हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जैसा कि ईएमआरएस का एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का 24 को है, इससे पहले 10 दिन के अंदर मैं 25 से 30 प्रैक्टिस सेट आपको करा देना चाहती हूँ, सभी डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। और दोनों टाइम वीडियो अपलोड होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो भी प्रैक्टिस कराया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास 11, 12 के एनसीईआरटी बेस्ड यानी कि सरस्वती प्रकाशन का भी मैराथन क्लास दिया था, जिससे आपके जो है एक क्वेश्चन आया था, पार्टियल कर्ल ऑफ आया था, जिसका राइट आंसर था पेट की सहनशीलता को डेवलप करना। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया हुआ था, एक भी क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि बाहर आया था। तो इस प्रकार मैं चाहती हूँ कि आपके ईएमआरएस की भी प्रैक्टिस कराएं, 25 से 30 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपके यूपी टीजीटी का भी एग्जाम आ रहा है, उसके बाद यूपी एलडी ग्रेड का वैकेंसी आ रहा है, लगातार आ रहे हैं वैकेंसियाँ, जिससे आप डेली बेसिस पर अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए, रुकिए मत, जरूर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फिर से जो क्लास 11th एंड 12th का मैराथन क्लास मैंने दिया हुआ है उसको फिर से देख लीजिए। जो आप श्याम नारायण के बुक से या किसी भी बुक से पढ़े हुए हैं, ठीक है, मैं जो प्रैक्टिस करा रही हूँ वो भी ठीक है, बट एक क्लास 11, 12 का जो देख लीजिए, क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। तो जैसे कि खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% होते हैं, 2 से 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि इस बीपीएससी में भी पूछा था कि प्रायोगिक खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो विलियम वुंड थे, एंड सोमेटो टाइप जो बॉडी टाइप से होता है सेल्डन का, वो भी पूछा था। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कहा जा सकता, बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप सबको मालूम है सीखने का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। तो दोस्तों, सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। इनके सीखने का सिद्धांत का क्या नाम है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, यानी कि और इन्होंने सीखने के नियम दिए थे, ठीक है, सीखने के सिद्धांत ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिए थे। एंड सीखने के नियम, इन्होंने 2 नियम, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम या संतोष या परिणाम का नियम। तो दोस्तों, एक क्विक आपका रिवीजन करा रही हूँ, इसी लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी कि आप जो भी पढ़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और रिवीजन भी होता जाए। जैसे कि तत्परता का नियम मतलब तैयारी का नियम, कोई भी कार्य या एक्टिविटी करने से पहले आप अपने को तैयार करते हैं, पूर्ण रूप से तत्पर करते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन में बात करें तो कोई भी गेम खेलने से पहले एंड ट्रेनिंग लेने से पहले आप अपने बॉडी को गर्माते हैं, वार्मिंग अप करते हैं, यही आपका तत्परता यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वार्मिंग अप जो है थार्नडाइक के सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है दोस्तों, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे किसी प्रकार घुमा के पूछिए आप उसका सही आंसर दे सके। एंड दूसरा इनका नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कहना है कि जितना आप अभ्यास करेंगे उस क्रिया में आप उतना ही अभ्यस्त यानी कि ज्ञानवान हो जाएंगे। और इनका कहना है कि लाभ एक्सरसाइज को उपयोग अनुपयोग का नियम, यूज डिसयूज का नियम भी कहते हैं, यानी कि उपयोग के नियम के अनुसार कि आप किसी भी चीज का सीखे गए कार्य का नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो आपका और मजबूत होता जाएगा, यानी कि बार बार दोहराने से वह जो क्रिया होती है स्थायी बन जाती है, स्थायी रूप से आप उसको सीख जाते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। और लाभ डिसयूज यानी कि अनुपयोग का नियम क्या करता है कि जिस कार्य को आप सीख भले गए हैं कुछ पल के लिए, अब बट उसको आप उपयोग करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वह विस्मृत हो जाता है। तीसरा इनका मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। दोस्तों, उसको क्या क्या कहते हैं उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें डीपली क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो प्रभाव के नियम को परिणाम
प्राप्ति का नियम भी कहते हैं, संतोष का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिएगा, दो से चार नंबर ऐसे ही कम हो जाते हैं बस इन छोटे छोटे फैक्ट को न क्लियर होने से। तो यही तीन नियम थे आपके थांडाइक के, यानी कि संतोष असंतोष, अगर किसी को कार्य करने के बदले आप पुरस्कार दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उस कार्य में उसकी रुचि है तो उसको संतोष मिलता है, वो ऊर्जान्वित महसूस करता है, अच्छे से कार्य करता है। अगर आप उसको दंड दे रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, उसकी रुचि नहीं है तो वो कुंठित हो जाता है, असंतोष उसको उत्पन्न होता है। तो ये होता है प्रभाव का नियम या लॉ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? तो आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है, तो परिवार से प्रभावित होता है। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री है कि इनमें से कौन एक प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है? तो दोस्तों भूख, प्यास, अनुराग, ये सब प्राथमिक प्रवृत्ति है, बट ऑप्शन नंबर गौ सेक्स नहीं है। अभिप्रेरणा से जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए अभिप्रेरणा को देख के जाइएगा कि आंतरिक अभिप्रेरणा और वह अभिप्रेरणा में क्या क्या आता है। तो हर बार पूछा जाता है जो चीजें, उसको अवश्य क्लियर रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर फोर है, अगर 23 दल हैं यानी 23 टीमें हैं, तो एक नॉकआउट प्रतियोगिता में कितने बाई दिए जाएंगी? तो आपको पता है कि बाई देने का जो सूत्र होता है क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 32, ठीक है। 32 से माइनस आपका 23 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9। यानी कि अगर 23 टीम है एक नॉकआउट प्रतियोगिता में, तो कितने बाई दिए जाएंगे, तो कुल 9 बाई दिए जाएंगे, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम हाल में ये कहता करता है कि आपका माइंड उस समय कैसा है। कभी कभी होता है कि आपका बहुत अच्छा तैयारी है बट उस समय आप बहुत डिप्रेशन में हैं, तो कोई डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सोचिएगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो मेरी तैयारी है बेस्ट है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, डिप्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो क्या है स्ट्रेटजी, ठीक है। तो प्रारंभिक रूपरेखा को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटजी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्ट्रेटजी। प्रतियोगिता योग्यता की योजना की ब्लूप्रिंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम तकनीक सीखेंगे, उसके बाद जो टैक्टिस होता है वो खेल के दौरान जब खेल रहे हैं, जो भी स्थिति परिवर्तन हो रहा है उस समय जो आपको दिमाग लगाना है उसको टैक्टिस बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि माँ के 6 क्रोमोसोम्स की संरचना होती है। तो आपको पता है कि स्त्रियों में XX होता है गुणसूत्र एंड पुरुषों में XY होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोथेरेपी को यह भी कहा जाता है। तो आप सबको पता है हाइड्रोथेरेपी को जल चिकित्सा कहा जाता है, जल चिकित्सा, जल के द्वारा जो चिकित्सा किया जाता है उसको हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के होते हैं, गर्म जल से, ठंडे जल से, एंड बर्फ चिकित्सा, क्रायोथेरेपी, वर्लपूल बाथ, ये सभी चीजें आती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कोलियोसिस एक शारीरिक कुरूपता है जो संबंधित है। तो दोस्तों ये 100% है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज ना आए, जब हर बार आना ही है तो इसको क्लियर रखिएगा, ठीक है। स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड फ्लैट फुट, क्ले फुट, ये 100% आता है। तो इन 5-6 और तो क्या कहते हैं, बाउल लेग, जेनुवरम एंड नॉकनी, ये टॉपिक आपको क्लियर होना ही चाहिए, पहले से बता दे रही हूँ, तो इसमें से क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो कुछ फैक्ट है फिजिकल एजुकेशन में जो आता ही आता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो स्कोलियोसिस एक शारीरिक कुरूपता है जो संबंधित है। तो स्कोलियोसिस किससे रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी से। किससे रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी से। जैसे कि स्कोलियोसिस जो हमारा जो मेरुदंड होता है एक ओर झुक जाता है, यानी शोल्डर एक तरफ झुक जाता है
और हिप दूसरी तरफ, इसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं। और इसको स्कोली मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता या लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। तो उसके जो टेक्निकल वर्ड है उसको जरूर याद रखिएगा। तो स्कोलियोसिस को हम क्या कहते हैं, हिंदी में पार्श्व कुब्जता या इंग्लिश में कहेंगे लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन। तो कहीं भी आपको आ जाए कि जब लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन को हम क्या कहते हैं, तो स्कोलियोसिस कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हम आपका क्वेश्चन आया ही था आपको बीपीएससी में कि काइफोसिस को यह भी नाम दिया जाता है, जैसे हंचबैक। काइफोसिस में जो हमारा पीठ है बाहर की तरफ निकल जाता है, मतलब आउटसाइड निकल जाता है, ठीक है। आउटसाइड कर्वेचर जब भी रहेगा बाहर की तरफ निकलने, काइफोसिस यानी कुबड़ा होता है, जिसे हम राउंड बैक, राउंड बैक राउंड शोल्डर में कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी कुबड़ा यानी काइफोसिस आएगा तो इसका उपनाम है राउंड बैक, हंचबैक आदि नामों से इसको जाना जाता है, घुमावदार पीठ। लेकिन राउंड शोल्डर नहीं होगा, राउंड शोल्डर आपका अलग चीज हो जाएगा। एलार्डोसिस होता है, काइफोसिस में पीछे की तरफ बाहर यानी आउटसाइड निकल जाता है, और जो लार्डोसिस होता है अंदर की तरफ धस जाता है कमर, उसको लार्डोसिस कहते हैं। तो लार्डोसिस को हम हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्चर डिफेक्ट, सैडल बैक आदि नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यहां पे दोस्तों आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, वो भी फ्री में, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, पुनः स्थापना की प्रक्रिया में राइस शब्द का क्या अर्थ है। पुनः स्थापना यानी कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, पुनर्वास जिसे कहते हैं, यानी कि चोट लगने के बाद या कोई विकृति होने के बाद पुनः पहले वाले स्थिति में आने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं पुनर्वास या पुनः स्थापना या रिहैबिलिटेशन। इसमें प्राथमिक उपचार के रूप में RICE पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसे थंब रूल भी कहा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ मैं 5-6 क्वेश्चंस बना दे रही हूं, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। तो इस RICE पद्धति को प्राथमिक उपचार की पद्धति कहा जाता है, इसको थंब रूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि RICE यानी राइस शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों RICE, R से आपका होता है रेस्ट, क्या होता है रेस्ट। I से होता है आइस यानी बर्फ का प्रयोग करना। C से होता है कंप्रेशन यानी कि दबाव डालना। एंड E से होता है इलेवेशन यानी कि हृदय के ऊंचाई से ऊपर उठाना, ठीक है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड इलेवेशन। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और जो भी आपको समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताइएगा। और जहां भी मिस्टेक होगा, हो सकता है इंसान ही है सबके साथ मिस्टेक होता है, तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्वचा के ठीक नीचे पाए जाने वाले वसा को कहा जाता है। तो त्वचा के ठीक नीचे पाए जाने वाले वसा को हम कहते हैं सब कुटेनियस वसा। क्या कहते हैं? सब कुटेनियस वसा। जैसे कि हमारे त्वचा की जो है मुख्य रूप से दो परत होती है, एपिडर्मिस डर्मिस। वह परत को एपिडर्मिस कहते हैं जिसमें तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, और आंतरिक परत को डर्मिस कहते हैं जिसे हमारे जो तंत्रिकाएं होती है नर्व होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। और उसके नीचे भी आपका एक होता है एडिपोज टिश्यू, जिसके अंदर आपका जो भी हम फैट अपने शरीर में लेते हैं वह ग्लिसराल या फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर के एडिपोज टिश्यू के नीचे जमा होते हैं, जो हमारे कोशिकाओं या शरीर की जो त्वचा होती है अंगों की सुरक्षा करता है। तो आप समझ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि भारी भार प्रशिक्षण के कारण बढ़ने वाले पेशी पिंड को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, मस्कुलर ऑटोट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी एंड सेरेब्रल पॉल्सी, जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों, कि जैसे कि आपके एग्जाम में आया हुआ था बीपीएससी में इस मसल से रिलेटेड, कि मांसपेशियों के लगातार कमजोर होने और बर्बाद होने से चिन्हित एक वंशानुगत स्थिति को क्या कहा जाता है। तो उस क्वेश्चन में सेरेब्रल पॉल्सी राइट होना चाहिए, बट जो आंसर की में माना है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी माना है, जबकि
लगातार एक्सरसाइज न करने से, व्यायाम न करने से जब मांसपेशी कमजोर हो जाती है तो उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या अट्रॉफी कहते हैं। वंशानुगत शब्द लग गया तो वो सेरेब्रल पाल्सी होना चाहिए, बट आयोग जो मान ले वही सही मान लिया जाता है, बट ऐसा मानना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं कि भारी भार प्रशिक्षण के कारण बढ़ने वाले पेशी पिंड को, जब मांसपेशी की आकार और आकृति बढ़ जाए या मजबूत हो तो उसे हम मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो याद रखिएगा, और जब व्यायाम की कमी के कारण मांसपेशियां संकुचित होने लगती हैं, यानी आकार में कम होने लगती हैं, शक्ति में कमजोर होने लगती हैं, तो उस कंडीशन को हम मस्कुलर अट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहते हैं। और जब वंशानुगत शब्द आएगा वंशानुगत स्थिति में तो उसको सेरेब्रल पाल्सी कहेंगे। सेरेब्रल पाल्सी आपका अलग चीज है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। बट जब भी आपको मांसपेशी की लंबाई बढ़ने या मजबूत होने की बात आए एक्सरसाइज अभ्यास या भार प्रशिक्षण के कारण, तो हमेशा वहां पे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगा। यहाँ पे देखिए, जो भी फिजिकल एजुकेशन में वर्ड यूज हो रहा है तो हाइपर शब्द का हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, और हाइपो शब्द का हमेशा कम होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मांसपेशियों के आकार आकृति और मजबूत होना, ये सब बढ़ना, ये हाइपरट्रॉफी आ जाएगा मस्कुलर हाइपरट्रॉफी में। और कमजोर होगा, आकार में छोटा होगा, तो उसे हम मस्कुलर अट्रॉफी कहेंगे, तो याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी पेशी कौन है? तो सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स, लार्जेस्ट मसल्स, स्मॉलेस्ट मसल्स, ठीक है, ये आपको तो याद होगा ही। सबसे लंबी मसल्स है हमारी सार्टोरियस, जो एक हमारे जांघ की पट्टा पेशी भी, जिसे कहा जाता है आकार आकृति के आधार पर बांटा गया है, तो इसको पट्टा पेशी या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी बोला जाता है। ये हमारे हिप को मोड़ने और हमारे घुटने को प्रसार करने में काम आता है। एंड सबसे बड़े मसल्स, लार्ज, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लंबी बड़ी में अंतर समझिएगा, सबसे लंबी बोलेगा तो सार्टोरियस, सबसे बड़ी मसल्स है तो हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस, कुल्ले की, और सबसे छोटी मसल्स हमारे कान की, स्टेपेडियस मसल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, और सबसे मजबूत मसल्स जो होता है हमारे जबड़े की मसेटर मसल्स, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, जांघ के पीछे की पेशियों को क्या कहा जाता है? जैसे कि आप सबको पता है जांघ के आगे की पेशी को क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, जो घुटने के प्रसार करने के काम आता है, हिप को मोड़ने में काम आता है। जो घुटने के पीछे की हड्डी है उसको कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। क्या कहते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल्स। जो हमारे घुटने की पीछे की मसल्स है उसे हैमस्ट्रिंग मसल्स बोला जाता है। तो बस आपको इतना ही याद नहीं रखना है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स बोला जाता है, उसका कार्य क्या है। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होता है वो हमारे घुटने को मोड़ने में काम आता है, याद रखिएगा। किसका काम आता है? घुटने को मोड़ने में काम आता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है कितने पेशियों से मिलकर बना है? तो ये तीन पेशियों का समूह होता है। कौन कौन से तीन पेशी है, ठीक है, तो यह होता है बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, तीन पेशियों से मिलकर बना होता है। तो चाहे आप घुटने को मोड़ने में जब कहेगा कि कौन पेशी काम आती है, चाहे आपका नाम दे हैमस्ट्रिंग तो भी राइट होगा, चाहे आपका नाम दे बाइसेप्स फेमोरिस, चाहे आपका नाम दे सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, ये चार में से कोई भी नाम देगा आपका राइट आंसर होगा। इसलिए आप टेक्निकली रूप से डीपली पढ़ने की कोशिश करिए हमेशा, पूरा ज्ञान है कि अधूरा ज्ञान हमेशा आपको खतरनाक होता है। आपको लगता है कि हमको सब आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट न क्लियर होने की वजह से आते हुए भी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो आपका जांघ के ऊपर की पेशी है क्वाड्रिसेप्स, वो चार पेशियों से मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चार पेशियों से मिलकर बना होता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जैसे कि रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, ये चार पेशियों से मिलकर बना है जांघ के ऊपर की पेशी क्वाड्रिसेप्स, एंड जांघ के पीछे की पेशी हैमस्ट्रिंग मसल्स, तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा। कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि जो है इसमें जो क्वेश्चन है डीपली पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से एक चीज याद रखने से काम नहीं चलेगा आपको। जिस टॉपिक को पढ़िए पूरी तरह पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स का रिसाव किया जाता है किसके द्वारा? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है। आप जैसे कि मैं पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पूरी डिटेल में बताई हूँ, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मास्टर ग्रंथि या प्रमुख ग्रंथि, क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है।
एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सबको पता है 1985 से दिया जाता है, विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को जो कोच होता है उसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आ गया था एंड क्वेश्चन में ऑप्शन 1900 दिया ही नहीं था, तो आप हमेशा जब क्लियर याद रहेगा तभी तो आप मार पाएंगे इसमें से कोई नहीं, ठीक है, नहीं तो आप तो कोई ना कोई ऑप्शन मार ही देंगे। तो क्लियर याद रहेगा तभी आप, अगर ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक तो आप फंस जाएंगे, इसलिए क्लियर याद होना चाहिए। तो महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था, तो 1900 पेरिस फ्रांस में, ठीक है, 1900 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया था। और भारत ने हॉकी में सबसे पहले कब भाग लिया था, तो 1928 एमस्टर्डम हालैंड ओलंपिक में। अब यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने आधिकारिक तौर पर कब भाग लिया था सबसे पहले, तो 1928 में, लेकिन ऐसे ही पूछेगा कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो आपको पता ही है 1900 पेरिस में ही लिया था, जो आपका एक एंग्लो इंडियन था वो भाग लिया था सबसे पहले, ठीक है। तो सभी कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, जॉन डेवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो ये दर्शन से एक क्वेश्चन आपको बनता है, जैसे कि आदर्शवाद है, जॉन डेवी ने आपको किया था प्रयोगवाद, यानी कि व्यवहारवाद भी इसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं, या वास्तविकतावाद भी कहते हैं, जो अनुभव को मेन मानता है, अनुभव को ही क्रियाओं का केंद्र मानता है, अनुभव यानी कि प्रैक्टिस को ही मेन मानता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अनुभव को कौन मेन मानता है, तो प्रयोगवाद या व्यवहारिकवाद या वास्तविकतावाद या प्रैक्टिकल रियलिटी भी बोल सकते हैं, उसके सभी टेक्निकल नामों को याद रखिएगा। तो इसके प्रवर्तक हैं जॉन डेवी, जबकि आपका आएगा आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी कि आइडियोलिज्म के, तो प्लेटो, यथार्थवाद के रियलिज्म के अरस्तु, प्रकृतिवाद के रूसो। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंकाल पेशी यानी जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो रेखित पेशियां हैं जिसे हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, तो कंकाल पेशी में सबसे बाहरी संयोजी उत्तक को उत्तक की सतह कौन सी होती है। तो दोस्तों जैसे एक मांसपेशी है तो उसको कौन घेरे रहती है, तो उसको घेरे रहती है आपको इंडोमायोसियम, ठीक है, और एक से अधिक मांसपेशी है समूह है इसको घेरे रहती है कौन, इसको घेरे रहती है कौन, पेरिमायोसियम। अब मांसपेशियों को समूह को, सभी मांसपेशी के समूह को, समस्त मांसपेशी को बाहरी परत को हम कहते हैं एपिमायोसियम, क्या कहते हैं, एपिमायोसियम। तो आपको देखना है कि यहां पे आपको देखना है कि क्या पूछा है कि कंकाल पेशी में सबसे बाहरी संयोजी ऊतक की सतह कौन सी है। तो एक मांसपेशी के तंतु को घेरे रहता है इंडोमायोसियम, मांसपेशी तंतु के समूह को घेरे रहता है पेरिमायोसियम, और मांसपेशी समस्त मांसपेशी को बाहरी रूप से घेरे रहता है एपिमायोसियम। तो आंसर ठीक हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा एपिमायोसियम। अब मांसपेशी तंतु समूह की बात करेगा तो हमेशा पेरिमायोसियम होगा, एक मांसपेशी की बात करेगा घेरने के लिए तो एंडोमायोसियम होगा, संपूर्ण मांसपेशी को नाम देगा तो हमेशा एपिमायोसियम होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बॉल एंड सॉकेट संधि का प्रकार है, तो दोस्तों नॉन एक्सियल, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी एक्सियल, यानी कि कितने अक्ष में गति हो रही है। तो जैसे कि हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं एक एक्सिस में, दो एक्सिस में या कई एक्सिस में गति होती है, जो हमारा बॉल एंड सॉकेट है ये किसी भी दिशा में गति करती है, इस रोटेटरी मोमेंट में आता है, तो यह मल्टी एक्सियल संधि है, क्या है, मल्टी एक्सियल ज्वाइंट है। तो यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा घ, ठीक है। एंड यानी कि यहाँ पे आपका एक एक्सियल यूनी एक्सियल गति कौन है, जो हमारा हिंज ज्वाइंट होता है, जैसे कि हमारे कोहनी की संधि, घुटने की संधि, उंगलियों की संधि, जबड़े की संधि, ये यूनी एक्सियल यानी एक अक्ष में गति होती है। और द्वि एक्सियल गति कौन है, द्वि अक्षीय संधि,
दी अच्छी संधि में हमारा आ जाएगा कॉर्डिलाइड ज्वाइंट, जिसमें हमारी कलाई की संधि आती है जो दोनों अक्ष में गति करती है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे जैसे कि संधि हमारे शरीर में तीन प्रकार की होती है, चल, अचल और अर्धचल, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक दी संधि है, यानी दी अच्छी संधि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी संधि है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाइसेप्स ब्रोंकी। क्या होगा, बाइसेप्स ब्रोंकी, जो हमारे जो रेडियस अल्ना हड्डी होती है कोहनी पर जुड़ी रहती है आके, रेडियस हड्डी अंगूठे की तरफ से आती है और अल्ना हड्डी जो होती है छोटी उंगली की तरफ से आकर के जो कोहनी पर आकर के मिलती है, और इधर से बाइसेप्स मसल्स होता है, तो बाइसेप्स मसल्स के आगे जो है एक बाइसेप्स ब्रोंकी होती है जो दी संधि पेशी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अवस्था में माध्यमिक सेक्स गुण उत्पन्न होते हैं, तो वो होता है आपका किशोरावस्था, तीन एज लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सन 2016 में किस शहर ने ओलंपिक की मेजबानी की थी, तो दोस्तों ओलंपिक से क्वेश्चन तो आता ही है, जैसा कि क्वेश्चन पूछ दिया था 2012 रियो ओलंपिक, 2012 जो लंदन ओलंपिक हुआ था कि उसमें कौन आपका पदक जीता था, तो ओलंपिक के सभी सीक्वेंस को जरूर याद रखिएगा। तो 2016 में किस शहर में हुआ था, तो आप सबको पता है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, और 2012 में कितने पदक जीता था यह भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दो पदक जीता था 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने, जिसमें से बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था, एंड कुश्ती में साक्षी मलिक ने 2016 में कांस्य पदक जीता था। उसके अलावा यह भी पूछ सकता है कि फाइनल में सबसे पहले आपका दीपा मलिक जो है और उसमें किस स्पर्धा में की थी, वो जिम्नास्टिक वर्ल्ड स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी 2016 रियो ओलंपिक में ही। उसके बाद आपका पूछ सकता है 2020 टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था आपका टोक्यो जापान में, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था, जिसमें 87.58 मीटर थ्रो किया था। यह भी पूछ सकता है कि कितना मीटर थ्रो किया था, तो 87.58 मीटर। एंड उसके बाद एशियन गेम में भी स्वर्ण पदक जीता है जो 2023 में हुआ, जो चीन में हुआ है, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है 88.88। तो अभी जस्ट हुआ तब तक क्वेश्चन पेपर आपका बन गया होगा, ये नहीं पूछ सकता है। तो और रजत पदक में 2 रजत पदक जीता है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में, मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में, रवि कुमार दहिया कुश्ती में। एंड कांस्य पदक में 4 कांस्य पदक भारत ने जीता है टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें से लोलिना बोर्गेहेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक, और बजरंग पुनिया 65 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक, और भारतीय हॉकी टीम ने, ठीक है, इस प्रकार कुल 7 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरबंस सिंह ने एक कौशल की परीक्षा बनाई थी, तो हरबंस सिंह ने, यह आपका टेस्ट मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो हरबंस सिंह ने कौन सी बनाई थी, तो उन्होंने हॉकी के लिए एक परीक्षण बनाया था, किसके लिए, हॉकी के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, 2010 कॉमनवेल्थ गेम के समय भारत के खेल मंत्री कौन थे, तो 2010 कॉमनवेल्थ गेम के समय भारत के खेल मंत्री थे एमएस गिल। कौन थे, एमएस गिल, क्योंकि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम भारत में ही संपन्न हुआ था। एंड वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि एक टेबल टेनिस खेल की लंबाई 9 फीट है, तो इसकी, एक सेकेंड, क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसको हम विजिबल करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि एक टेबल टेनिस टेबल की लंबाई 9 फीट है, तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे कि 9 फीट, एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 30 सेंटीमीटर में एक फीट होता है। तो आप देख सकते हैं 9 × 27 यानी कि 2.74 मीटर हो जाएगा लंबाई में, मीटर में,
अगर फिट में 9 फिट है तो मीटर में कितना हो जाएगा 2.74 मीटर, यानी टेबल टेनिस की जो लंबाई होती है टेबल की 2.74 मीटर होता है मीटर में, और फिट में पूछेगा तो 9 फिट, उसकी चौड़ाई होती है 1.525 मीटर, ठीक है। और इसकी बॉल की भार होता है 2.7 ग्राम। अब बार बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आपके एमपी टेट में भी पूछा था, इसमें आपको बीपीएससी में पूछा था महिलाओं के लिए मेडिसिन बाल थ्रो का वजन, तो उसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन राइट माना है, तो 1 kg हो जाएगा शायद, उसको कंफर्म करना है, मैं किसी वीडियो में कंफर्म कर दूंगी। वैसे तो आपने पढ़ा होगा 5 से 6 kg होता है मेडिसिन बाल थ्रो का वजन, सबसे ज़्यादा भारी बाल वही होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है कि निरंतरता की अधिकता वाले खेल के लिए भोजन में प्रचुरता होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना भी घुमाए आप सही आंसर समझ ही जाएंगे। तो निरंतरता मतलब एंड्योरेंस की बात कर रहा है, लगातार मतलब एंड्योरेंस ही होता है, ठीक है, कोई भी काम लगातार किया जा रहा है यानी सहनशीलता उसमें है। तो इस प्रकार के जो भी क्रियाएं हैं खेल हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो मिलता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। जब भी स्ट्रेंथ की बात करें उसमें आपकी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जब भी एंड्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात आवश्यकता होगी भोजन में। स्ट्रेंथ की बात होगी तो मसल्स डेवलप, कोशिकाओं को डेवलप कौन करता है, तो शरीर का निर्माण करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, तो वहाँ पे प्रोटीन रहेगा। एंड्योरेंस यानी ज्यादा सहनशीलता काम, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो कार्बोहाइड्रेट राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पेशी का कॉन्सेंट्रिक एवं इसेंट्रिक संकुचन एक भाग है। तो दोस्तों जैसा कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 3 विधियां हैं और इससे क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी पूछा था कि आइसोकाइनेटिक की खोज किसने किया था, जेम्स पेराइन ने किया था 1968 में। तो पेशी का कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक संकुचन एक भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक कंट्रक्शन। कैसे होगा, तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने की 3 विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक की खोज ली डोरी ने किया था 1953 में और आइसोमेट्रिक की खोज 1954 में हेटिंगर व मुलर ने किया था, ठीक है। एंड जेम्स पेरिन ने आइसोकाइनेटिक की खोज किया था 1968 में। जो हमारा आइसोटोनिक होता है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव होता है और पेशियों की लंबाई घटती है और बढ़ती है, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक कंट्रक्शन में जो पेशियों की लंबाई छोटी होती है, जैसे आप डंबल्स अभ्यास कर रहे हैं ऊपर की तरफ ला रहे हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में पेशी की लंबाई घट रही है, उसे हम कहेंगे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन। जब हम वापस लाते हैं नीचे की तरफ तो पेशी की लंबाई बढ़ रही है, उसको कहते हैं इसेंट्रिक कंट्रक्शन। इस प्रकार आइसोटोनिक जो कंट्रक्शन होता है एक्सरसाइज 2 प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। जो ज़्यादातर शक्ति प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आइसोटोनिक की, जिसके अंतर्गत कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बाल थ्रो, ये सभी आते हैं आपके, ये उपकरणों के साथ भी या बिना उपकरणों के भी किया जाता है। एंड जो आइसोमेट्रिक होता है वो आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई, इसमें मसल्स का जो लंबाई होता है चेंज नहीं होता है, ये तनाव बना रहता है, यानी कि कोई परिवर्तन, नो चेंज, पेशी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे दीवार को धक्का मारना, ठीक है। एंड तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसमें सेम गति होता है, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, काइनेटिक मतलब गति, तो सेम गति जिसमें होता है, जो हमेशा उपकरणों के साथ किया जाता है, ज्यादातर मशीनों के साथ किया जाता है, जो ज्यादातर पानी वाले खेलों में किया जाता है, जैसे रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, मासिक धर्म के चक्र का सामान्य समय कितना होता है, तो 28 से 30 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि 5 अंकों का माध्य 25 है तो मानक विचलन 0 है, ठीक है। 5 अंकों का जो माध्य है यानी जो मीन है वो 25 है और मानक विचलन कितना है, 0 है, तो 5वें अंक का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मानक विचलन अपान
जो माध्य होता है, तो यहाँ पे जीरो मानक विचलन है तो कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का घ। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, परकशन मैनिपुलेशन का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मालिश जो होता है, मसाज जो होता है, चार प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सेकिंग यानी मिलाना या झकझोरना। तो जो परक्यूजन होता है, थपथपाना होता है, इसको दूसरे स्वरूप में हम टेपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेपोटमेंट, ट्रेपोटमेंट। ठीक है, जो स्वीडिश शब्द है। ठीक है, और जो कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, जो मसाज शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द फ्रिक्शन या नीडिंग से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गुथते हुए, घर्षण करना। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, हॉकी खेल शुरू होता है, तो यह शुरू होता है सेंटर पास से। क्वेश्चन नंबर 32 है, लॉन्ग जंप में बराबर यानी कि टाई होने पर प्रथम स्थान निश्चित किया जाता है। तो दो लोगों का बराबर हो गया, टाई हो गया, तो लॉन्ग जंप में तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से हम एक बार कराएंगे, जिसमें उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसको हम प्रथम स्थान देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अगले बेस्ट अच्छा परिणाम देखकर हम इसका निर्णय करेंगे, नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सपेडाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूनिक चीज लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा, जो आप नहीं जानते हैं। तो एक्सपेडाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो टेबल टेनिस में किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया होने का कारण है। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया, जिसे हम रेबीज कहते हैं, जिसे हम अलर्क रोग भी कहते हैं, तो यह होता है हाइड्रोफोबिया, वायरस से फैलने होने वाला यानी विषाणु से होने वाला रोग है। यह रैबिडो वायरस से फैलता है, यह पागल कुत्ते या जानवरों के काटने से फैलता है। ठीक है, एक स्तनधारी जानवर से दूसरे स्तनधारी में फैलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एंड इससे पानी से डर लगता है, ज्वर ज्वर तेजी से आता है, श्वास लेने में परेशानी होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिससे पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया या रेबीज या अलर्क रोग, तीनों का एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 50वां प्रतिशांक जाना जाता है। तो दोस्तों यह स्टैटिक्स से क्वेश्चंस है, तो इसका मैं एक से कभी जब समय मिलेगा तो स्टैटिक का भी क्वेश्चन वीडियो में बना दूंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50वां प्रतिशांक को जाना जाता है माध्यिका यानी कि मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि बांस स्टिक परीक्षण उपयोग किया जाता है। तो बांस और स्टिक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह बैलेंस यानी संतुलन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, संतुलन, बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, हाइट या लेंथ को मापा जाता है स्टेरियोमीटर से, किससे, स्टेरियोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, एंड वर्नियर कैलिपर से भार मापा जाता है, डायनेमोमीटर से आपका शक्ति यानी स्ट्रेंथ को मापा जाता है, गोनियोमीटर से लचीलापन मापा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, सीट एंड रीच टेस्ट की एक परीक्षण विधि है। सीट एंड रीच मापन से किसका परीक्षण किया जाता है दोस्तों, तो लचीलापन यानी फ्लेक्सीबिलिटी का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी फ्लेक्सीबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मानक विचलन किस केंद्रीय प्रवृत्ति के मांक से अन्य अंकों के फैलाव को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, माध यानी कि मीन में मानक विचलन निकाला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, हृदय परिसंचरण दृढ़ता मापने की परीक्षा है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्डियो वैस्कुलर इंड्योरेंस की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो इसको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा कि ये क्वेश्चन गलती ना हो आपसे। जब भी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस की बात करें तो अधिक समय की क्रियाएं ही होंगी,
जिसमें एंड्योरेंस डेवलप होगा, तो 50 मीटर में एंड शटल रन में, इन तीनों में स्पीड डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस नहीं होगा, तो किसमें होगा, 12 मिनट कूपर दौड़ या चालन परीक्षण। तो जो एक यानी कि 30 सेकेंड से लेकर 45 सेकेंड से लेकर जो एक मिनट तक की क्रियाएं होंगी वो आपके स्ट्रेंथ में आ जाता है, और एक मिनट से जो ज़्यादा की क्रियाएं होंगी जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है वो एंड्योरेंस में आ जाएंगी, उसमें कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्षमता डेवलप होगा। तो ये भी क्वेश्चन आया था आपके बीपीएससी में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है कि स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो आप सबको पता है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है इससे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी धमनी रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती है शुद्ध होने के लिए, तो आप सबको पता है उसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी या हिंदी में फुफ्फुसीय धमनी भी कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है, परिपक्वता के आने तक कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गायब हो जाती है अथवा बहुत छोटी हो जाती है, तो वह होती है आपकी थाइमस ग्लैंड, जो लिम्फोसाइट्स का भी निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो ये वयस्क होने पर यह समाप्त हो जाता है या बहुत कम ही होता है, बहुत छोटा हो जाता है थाइमस ग्लैंड, जो हमारे वक्ष पे स्थित होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, एक हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल का क्या अनुपात होता है, वेंट्रिकल यानी कि जो निलय आपका संकुचन होता है यानी सिस्टोल होता है, एंड जो शिथिलन होता है यानी डायस्टोल होता है, उसमें कितना समय लगता है, तो आपको पता ही है कि हृदय के एक धड़कन में जो है 0.8 सेकेंड का समय लगता है, तो जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उसमें 0.3 सेकेंड का समय लगता है और वेंट्रिकल डायस्टोल में 0.5 सेकेंड का समय लगता है, कुल मिलाकर के 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं 100%। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, इनमें कौन सी एक अदिश राशि है यानी कि सेक्युलर क्वांटिटी है, तो आपको पता है कि सदिश और अदिश राशि में क्या डिफरेंट होता है। सदिश राशि मतलब सदिश यानी दिशा सहित, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश यानी दिशा के बिना, जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे वेग और स्पीड में आपको अंतर बताया गया है कि चाल और वेग यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। जब भी वेलोसिटी आए और स्पीड आए दोनों में अंतर समझिएगा, स्पीड जो होता है, चाल जो होता है किसी भी दिशा में गति होता है, जबकि वेग यानी वेलोसिटी जो होता है वो एक निश्चित दिशा में गति होता है। तो यहाँ पे वेग है सदिश राशि हो गया, वजन भी सदिश राशि हो गया, गुरुत्वाकर्षण भी सदिश राशि हो गया, जबकि आयतन जो है किसी वस्तु को या द्रव्य को जिस वस्तु में रखेंगे उसी आयतन या उसी आकार का हो जाता है, तो आयतन जो है अदिश राशि है, ठीक है। आयतन जो क्या है वह अदिश राशि है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाता था, तो वेरी इजी क्वेश्चंस, आपको सबको ये पता ही है, उस समय जैतून के पत्ते का मुकुट दिया जाता था, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है कि वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय दलों की हिस्सेदारी का निर्धारण करती है, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में आपको मिस्टेक हो जाएगा, ओलंपिक खेलों का संचालन पूरे वर्ल्ड में करती है IOC, जबकि भारतीय दलों की हिस्सेदारी का निर्धारण कौन करती है, तो IOA। प्रत्येक देश में अपना ओलंपिक संघ होता है, तो भारत में क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में हुआ था, प्रथम अध्यक्ष थे सर दुराबजी टाटा। एक क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी में पूछा हुआ था कि IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर दुराबजी टाटा, वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो पीटी उषा हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में अल्टियस शब्द का क्या अर्थ है, दोस्तों ये आदर्श वाक्य हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको गलती मत कीजिएगा। जैसे कि इस बार पूछा हुआ था कि नया शब्द क्या जुड़ा है, तो दोस्तों अब पहले CTS, RTS, FORTIS था, अब हो गया है CTS, RTS, FORTIS, COMMUNITER, जिसका अर्थ होता है और तेज और ऊंचा, यानी कि हम CTS, RTS, FORTIS, COMMUNITER यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, और इसको बोल सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो
सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलशाली और एक साथ चलना। तो कम्युनिटर का अर्थ पूछेगा तो एक साथ चलना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है सीटीएस आरटीएस, और तेज और ऊंचा और बलशाली। तो आरटीएस का अर्थ हो जाएगा और ऊंचा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका, और ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 49 है, वह परीक्षण जो प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम को मेजर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो खड़े होकर लंबी कूद यानी सार्जेंट जंप है, ये हमारे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापता है। एंड शटल रन जो है, यहाँ पे जो शटल रन किसको मापता है, आपकी चपलता को मापता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जो स्टीप, ठीक है, यहाँ पे ग और घ दोनों सही होगा, क्योंकि स्टिक ड्रॉप टेस्ट एंड रूलर ड्रॉप टेस्ट दोनों आपकी प्रतिक्रिया समय में रिएक्शन टाइम को ही मेजर करता है। तो यहाँ पे आंसर तो दिया है ग, स्टिक ड्रॉप टेस्ट, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे बुक में टेस्ट एंड मेजरमेंट में, तो स्टिक ड्रॉप टेस्ट एंड रूलर ड्रॉप टेस्ट दोनों को रिएक्शन टाइम मेजर करने में दिखाया गया है। तो आयोग जो भी क्वेश्चन का आंसर माने। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आप सबको पता है टेम्परेचर में बात करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, एंड फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, कभी कभी 98.4 रहेगा, तो वही आप टिक करिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आई होप कि 50 के 500 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। इस प्रकार में आपको 24 को एग्जाम है, तो 23 तारीख तक 25 से 30 वीडियो आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगी, जिससे आपके मन में जो भी डाउट होगा, जो भी अभी कंफ्यूजन होगा, वो सभी दूर हो जाएंगे। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तो करिए ही, बट मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।